करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो। यह मेरी आंतरिक शुभकामना। जैसा भी मैं आप लोगों को बता रहा था यद्यपि अपने सीमित जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, अपना सीमित जीवन है भी नहीं, केवल इसके होने की भ्रांत धारणा है। क्योंकि यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको अपना व अलग का कहा जा सके। शरीर परमाणुओं का संघात है, परमाणुओं पर अपना अधिकार नहीं, उनको हम अपना नहीं कह सकते। सभी जानते हैं शरीर जो है कि परमाणुओं के संघात से बना है और परमाणु अपने नहीं है, उनके ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं है, न अपने कभी थे न है न कभी अपने होंगे। और इसमें प्रकाशित होने वाली चेतना जो उस अनंत परमात्मा का एक किरण मात्र है, उस पर भी अपना कोई अधिकार नहीं है। दो ही तत्व हैं जिसके संयोग से हमारा ये इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं, अपना व्यक्ति भाव जो है वो प्रकट हुआ है। एक तो एनर्जी परमाणुओं का संघात, दूसरा इसमें बोलने वाली देखने वाली जानने वाली चेतना। इन दोनों पर अपना कोई अधिकार नहीं, ये दोनों ही अनंत से संबंधित है। फिर अपना क्या है? जिस अहम को लेकर के हम ममत्व की भावना बनाते हैं, उसमें कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमारा अपना है, जिसके ऊपर हमारा अधिकार है, जो हमारे कंट्रोल में? विचार कीजिए, आपको पता चलेगा कुछ भी नहीं है, ऐसा केवल अपनेपन की भ्रांत धारणा बनी है। कुछ नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन है जो अपना नहीं है। तो देखने में शरीर दिखाई दे रहा है, इसमें बोलने वाली चेतना दिखाई दे रही है, लेकिन ये दोनों अपना नहीं है। एक जगह कुछ शायर लोग बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा, उमरे रवा पे हम सब सवार बैठे हैं। एक शायर ने कहा, उमरे रवा पे हम सब सवार बैठे हैं। दूसरे ने उत्तर दिया, सवार खाके हैं बेख्तियार बैठे हैं। सवार तो वो होता है जो जब चाहे तब चढ़े, जब चाहे तब उतरे। लेकिन यहाँ तो न तो अपने रुचि के अनुसार चढ़ सकते हैं, न अपने रुचि के अनुसार उतर सकते हैं। फिर होता क्या है? लाई हयात आए, कजा ले चली चले, अपने खुशी न आए न अपनी खुशी चले। आपको यदि ये चयन करने के लिए सुविधा मिली होती कि आप किसके यहां पैदा हो गए, तो आप ईमानदारी से कहिए कि जहां पैदा हुए वहीं पैदा होते गए।
जिसके यहाँ पैदा हुए हैं वहीं पैदा होते हैं। यदि आपको स्वतंत्रता मिलती कि आपको कैसा शरीर दिया जाए, तो क्या यही शरीर आपको मिलता जो मिला हुआ है? आपकी यही चॉइस होती? ये मेरे कहने का अभिप्राय कि ये सब अपने अधिकार से परे की बातें हैं। अपना इनमें से कोई ऐसा तत्व तो नहीं जिस पर प्रभुत्व हो, अधिकार हो, जिसको हम अपनी रुचि से कहें कि इसको हम ऐसे करेंगे और ऐसे ही होगा। कल्पना करते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई काम बन गया तो अहंकार भी कर लेते हैं कि देखो हमने एक सोचा था, हो गया कि नहीं हो। लेकिन बात ऐसी है नहीं, अपने सोचने से वो बात नहीं होती, अपने करने से भी वो काम नहीं होता। जिस क्रिया के साथ अनंत की सहमति हो जाए, सहयोग हो जाए, वो पूर्ण हो जाती है। हम सोचते हैं हो गया। जिस क्रिया के साथ अनंत की सहमति नहीं होती, हम सोचते हैं हमने तो बड़ी मेहनत की लेकिन भगवान को मंजूर नहीं। ये हमारी मान्यता है। ये जो हमारी सोचने की गति है, ये हमारी असमर्थता का ही परिचायक। फिर करना क्या चाहिए? करना नहीं है, सत्य को जानना है और सत्य को स्वीकार कर लेना है। इसमें कुछ करने वाली बात नहीं है। करने का जो क्रम चल रहा है वो तो करना होगा। शरीर है आपका, भूख लगेगी आपको, खाने के लिए प्रेरित करेगी। प्यास लगेगी, पीने के लिए प्रेरित करेगी। इंद्रियां हैं, अपने विषयों की तरफ दौड़ेंगी, वो अपना मार्ग ढूंढेंगी, उनकी पूर्ति करनी पड़ेगी। जो आवश्यक है वो तो आपको करना ही होगा। आप चाहे अपनी रुचि से करें, चाहे जबरी करें, स्वतंत्र होकर करें। यदि आप सत्य से परिचित हैं, तो आप इन सारे क्रियाकलापों में दुखी नहीं हो। और यदि सत्य से परिचित नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको दुख से बचा नहीं सकती। एक बात यही शास्त्रकारों ने, ऋषियों ने, संतों ने समझी है और समझाई है। यदि आप सत्य से परिचित हैं, तो आपको दुख नहीं होने का। क्यों दुख नहीं होगा? क्योंकि अपने बस का नहीं था। जो अपने बस का नहीं था उसके लिए आप क्या करते? और यदि सत्य से परिचित नहीं है, तो आपको कोई दुख से बचा नहीं सकता। कैसे बचेंगे दुख से? आपके ना चाहते हुए जो घटनाएं घटेंगी आपकी चाह के विपरीत, क्या आपको दुख नहीं होगा? दुख तो होगा, क्योंकि आपके बिना चाहे हो गया। आपकी इच्छा के विपरीत जब घटनाएं घटेंगी तो आप दुखी होंगे। यदि आप सत्य से परिचित हैं, तो आपको इतना बोध हो जाएगा कि भाई घटनाओं पर हमारा अधिकार नहीं है, और जो हमारे अधिकार में नहीं है उसके लिए हम दुखी क्यों हों? किसके अधिकार में है? नियंता के। फिर आपको ये बोध होगा कि इतने बड़े विश्व का, इतने बड़े संसार का कोई नियंता तो अवश्य है। आखिर यहां सब कुछ विचित्र सा जो दिखाई दे रहा है, वो किसी बिना व्यवस्थापक के ऐसे चल रहा? इसके पीछे कोई व्यवस्थापक तो है। अब वो नियंता, वो व्यवस्थापक जो है, वो कोई सामान्य नहीं है। जिसके कण मात्र से, कण मात्र, कल मैंने बताया था कि जीव का क्या स्वरूप होता है, जिसे कण भी नहीं कह सकते, जिसके कण मात्र से आपकी ये चेतना और चेतना में बोध और ज्ञान है, वो कितना महान बोधयुक्त होगा, महान ज्ञानी होगा।
सर्वज्ञ सर्वविद्या। यस्य ज्ञानमयं तपः, वेद कहता है वह तो सर्वज्ञ है, सर्व का ज्ञाता है, ज्ञान ही उसका तप है। तस्मा नाम रूपम अन्नम च जायते, उसी सर्वज्ञ से, उसी सर्वविद से, उसी सर्वनियंता से ये सारा अनंत ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में जितने नाम हैं और रूप हैं, आकृतियां हैं, ये सब उसी से उत्पन्न हुई है। तस्मात एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम, ये जो कुछ दृश्य रूप दिखाई दे रहा है सॉलिड, ये सब उसी से प्रकट हुआ है, उसके सिवा और कोई नहीं, ये उसी के नियंत्रण में चल रहा है। और उसने अनेकों बार वेद में, गीता में, रामायण में, ऋषियों के अनुभव में ये बात समझाई है कि मैं जितने भूत प्राणी हैं सबका पालक पिता मैं हूँ, पिता हमस्य जगतो माता धाता पिता। विश्वास करें वा न करें, लेकिन याद रखें जरूर कि जैसे आपके शरीर का कारण यह ऊर्जा है, ऊर्जा जिसे कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, इसी प्रकार से आपके शरीर में प्रकाशित होने वाली चेतना का कारण वह परमेश्वर, वह परम चैतन्य सच्चिदानंद घन है, इसलिए वह आपका पिता है। आपकी स्थिति उसी के प्रकाश में है। और आज दिन तक कोई ऐसा पिता नहीं जो अपने पुत्र के लिए कोई दुखद व्यवस्था दे। जब एक सामान्य पिता भी अपने पुत्र के लिए दुखद व्यवस्था की कल्पना नहीं करता, तो भला वो सर्वसमर्थ सर्वनियंता सर्वज्ञ पिता आपके लिए दुख की व्यवस्था क्यों करेगा? क्यों करे? कौन सा उसका स्वार्थ है? इसलिए वेद ने घोषणा की कि ये संसार की जो सृष्टि है ये तुम्हारे आनंद के लिए हुई है, दुख के लिए नहीं। आनंदात खल इमान भूतान जायन्ते, आनंद से ही ये संपूर्ण सृष्टि का आविर्भाव हुआ है। और आनंदात जातान जीवन, और उस आनंद से ही जो उत्पन्न हुए हैं वो जी रहे हैं, और अंततो गत्वा इन सब का आनंद में ही लय होना है, क्योंकि जहां से आविर्भूत होता है वहीं लय होता है। प्रत्येक कार्य अपने कारण में ही तलीन हो रहा है। समुद्र में उठा हुआ बुलबुला जो है वो कहां लीन होगा, कहां जाएगा? समुद्र से उठा है, समुद्र में है, समुद्र में ही लीन हो जाएगा। इसी रूप से जितने प्राणी हैं सब आनंद सिंधु परमात्मा से प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, उसी में स्थित हैं और अंत में उसी में लीन हो जाएंगे। जहां आनंद आदि है, जहां आनंद मध्य है, जहां आनंद ही अंत है, वहां दुख कहां और दुख कैसे? लेकिन ये बात तो शास्त्र की है, महापुरुषों की अनुभूति में है, लेकिन व्यवहार में हम क्या देखते हैं? दुख, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। थोड़े काल के लिए सुखाभास, इसे कल मैंने समझाया था, कभी कभी मिल जाता है, लेकिन अधिकांश हिस्से में दुख आता है। ऐसा क्यों है भाई? इसलिए कि जो यथार्थ है उसको हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो सत्य है उसको स्वीकार करने के लिए हम तैयार नहीं है, जो सत्य है उसको जानने के लिए हम तैयार नहीं है, और असत्य की भ्रांति में जीना हमें पसंद है। आदमी जब सत्य से उबता है, घबराता है, तो उसको भूलने का प्रयत्न करता है,
तो भूलने के लिए क्या करेगा? एक सज्जन मेरे पास आए, उनकी श्रीमती ने मेरे से शिकायत की कि स्वामी जी आप इनको समझाइए, ये सिगरेट बहुत पीते हैं। मैं उसकी तरफ देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मुझे विश्वास नहीं था कि इतना सज्जन व्यक्ति और ये इस प्रकार से धूम्रपान में अपने समय गंवाता हो। मैंने उससे पूछा, हम कहा बेटे पहले तुम ऐसा कभी नहीं करते थे, अब क्या हो गया तुम? कहता स्वामी जी क्या बताऊं, हमें जो जॉब मिली है ना, जो सर्विस मेरी मिली है, वहां जो हमारा बोझ है वो हमें बहुत परेशान करता है, और जब चिंतित होते हैं तो चिंता से मुक्त होने के लिए मेरे पास कोई दूसरा साधन नहीं होता। क्या समझे? चिंता से मुक्त होने के लिए सिगरेट पीते। मैंने पूछा तो उससे चिंता तुम्हारी चली जाती है? नहीं, उसको भूलने का प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग उससे भी आगे बढ़ जाते हैं, सिगरेट से चिंता नहीं गई तो शराब पर पहुंच गए, उससे चली जाएगी। और भी कई रास्ते अपना लेते हैं, आप लोगों को पता है। ये सब बुराई के रास्ते जो अपनाते हैं किस लिए? सत्य को भूलने के लिए। क्या सत्य को भुलाया जा सकता है? जो उपस्थित सत्य है उसको अस्वीकार किया जा सकता है? उससे बचने के लिए तुम गलत रास्ते पर चल पड़ो, ये कौन सी अकलमंदी है? फिर क्या किया जाए? उसको स्वीकार करो, स्वीकार करके उसके निराकरण का प्रयत्न करो। लेकिन मनुष्य ऐसा करता नहीं, उल्टे रास्ते पर चल जाता है, और यही उसके दुख में कारण है। जो है उसको यदि तुम स्वीकार नहीं करते तो दुखी कौन होगा? तुम ही दुखी होगे। इसलिए दुख का कारण संसार नहीं है, याद रखना। दुख का कारण ये जगत नहीं है, दुख का कारण है सत्य को स्वीकार न करना, और सत्य से मुंह छुपाने के लिए अनेक प्रकार के गलत माध्यमों को अपनाना, ये दुख का कारण है। इसलिए हमेशा याद रखो, सत्य को जानने की कोशिश करो। सत्य क्या है? रामायण के जिस प्रसंग को मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, उस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप कितने भी साधक क्यों न हो, तपस्वी क्यों न हो, संयमी क्यों न हो, लेकिन यदि सत्य को समझे बिना जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो आपको परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी। महापुरुष जो कुछ करते हैं उनके करने में दो हेतु होता है। मुख्य हेतु तो होता है लोक संग्रह। लोक संग्रह माने लोगों को शिक्षा देना, ये उनका मुख्य हेतु होता है। और दूसरा हेतु होता है समय का सदुपयोग, प्राप्त शक्ति और सामर्थ्य का समय का सदुपयोग हो और दूसरे को शिक्षा मिले। इसके सिवा और उनका तीसरा कोई प्रयोजन नहीं होता। भगवान राम के चरणों में सतत निवास करने वाले लक्ष्मण, भला आप सोचिए उनको कौन सा मोह हो सकता है, कौन सा शोक हो सकता है, कौन सी चिंता हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता, वो तो इनसे बहुत ऊपर उठे हुए हैं। भगवान के ही अंश से उनका आविर्भाव हुआ है। इसलिए लक्ष्मण में किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है, अज्ञानता नहीं है, और न तो उनमें किसी प्रकार की भ्रांति है। लेकिन फिर भी
लोक संग्रह की दृष्टि से भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर उनसे प्रणाम करके प्रार्थना करते हुए याचना करते हैं, भगवान का दिया हुआ दिव्य उपदेश मानव मात्र के लिए कल्याण का साधन बनेगा और दिव्य उपदेश बिना किसी प्रार्थना के किया नहीं जाता, इसलिए लोक कल्याणार्थ लक्ष्मण जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे यहाँ वैष्णव विचारधारा में लक्ष्मण को आचार्य के रूप में स्वीकार किया गया है, जीवाचार्य, जीवों के आचार्य। आचार्य माने जो अपने आचरण के द्वारा जीवों को मार्गदर्शन दे उसे आचार्य कहते हैं। जो अपने आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा सभी जीवों को रास्ता दिखावे, मार्गदर्शन करे, उसको आचार्य कहते हैं। लक्ष्मण जीवों के आचार्य हैं। आचार्य होने के नाते अब वो समस्त जीवों के लिए एक रास्ता दिखाना चाहते हैं। रास्ता दिखाने के लिए उत्तम उपाय क्या है कि स्वयं वैसा आचरण करे। मैंने एक कविता में लिखा था बहुत दिन पहले, क्या अधेरा दूर कर सकता डगर का जब तलक दीपक स्वयं जलता नहीं हो। क्या अंधेरा दूर कर सकता डगर का जब तलक दीपक स्वयं जलता नहीं हो। क्या कभी कोऊ बनेगा पथ प्रदर्शक जब स्वयं उस राह पर चलता नहीं हो। आप सोचिए, जैसे बिना जले दीपक रास्ते के अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, ऐसे बिना राह पर चले कोई व्यक्ति दूसरे को राह नहीं दिखा सकता। जब स्वयं भी नहीं चलेगा तो कैसे दिखाएगा? दूसरे को सत्य का उपदेश देने वाला यदि असत्य का व्यवहार करेगा तो उसके उपदेश को कौन सुनेगा? उसका कहा निरर्थक होगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने आचार्यत्व को सार्थक बनाते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं। तुलसीदास जी उस दृश्य को व्यक्त करते हुए लिखते हैं, पंचवटी में भगवान राम एकांत में विराजित हैं, लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उससे प्रार्थना करते हैं। एक बार प्रभु सुख यासीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मुहि समुझाई कहूं सोई देवा सब तज करूं चरण रज सेवा। यहाँ पर इन तीनों चौपाइयों में लक्ष्मण ने किस भाव से प्रभु के सामने विनम्र प्रार्थना की है इसका बोध होता है। दूसरे को सत्य का उपदेश देने वाला यदि असत्य का व्यवहार करेगा तो उसके उपदेश को कौन सुनेगा? उसका कहा निरर्थक होगा। इसलिए लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने आचार्यत्व को सार्थक बनाते हुए भगवान के चरणों में प्रणाम करके निवेदन करते हैं। तुलसीदास जी उस दृश्य को व्यक्त करते हुए लिखते हैं, पंचवटी में भगवान राम एकांत में विराजित हैं, लक्ष्मण जी उनके चरणों में प्रणाम करते हुए उससे प्रार्थना करते हैं। एक बार प्रभु सुख यासीना लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुर नर मुनि सचराचर साई मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, मुहि समुझाई कहूं सोई देवा सब तज करूं चरण रज सेवा। यहाँ पर इन तीनों चौपाइयों में लक्ष्मण ने
किस भाव से प्रभु के सामने विनम्र प्रार्थना की है इसका बोध होता है। उनका कथन है कि हे देव, देव माने प्रकाश स्वरूप, दिव्य प्रकाशन, जो स्वयं प्रकाश पुंज होकर दुनिया को प्रकाश प्रदान करता है उसे देव कहते हैं। देव का दूसरा एक अर्थ और होता है देने वाला, जो किसी से कुछ लेता नहीं देता ही रहता है वो देव होता है। भगवान स्वयं में देव है, भगवान को और क्या चाहिए किससे, और वो प्रकाश के पुंज है इसमें भी कोई संदेह नहीं। लक्ष्मण जी की प्रार्थना है कि हे देव, आप दाता हैं, आप प्रकाश पुंज हैं, आप मेरे को मार्गदर्शन प्रदान करें। मुही समझाई कहो सोई देवा, और वही मुझे समझा करके कहे, समझा कर माने बिल्कुल डिटेल में विस्तार के साथ, सूक्ष्म रूप में नहीं, समास रूप में नहीं, व्यास रूप में विस्तार के साथ समझा कर कहिए। मुही समझाई कहो सोई देवा, सब तज करूं चरण रज सेवा। जीव के जीवन की सार्थकता ईश्वर की सेवा में है, याद रखना। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी मत को मानते हैं। उनके मत में जीवन की सार्थकता के लिए तीन ही उपाय, सत्संग, सुमिरन और सेवा। तुलसीदास जी ने जगह जगह इसकी बात कही है, बार बार इसको लिखा है, सत्संग, सुमिरन और सेवा। चित्त आपका, बुद्धि आपका परमात्मा में लगी हुई हो सत्संग है, सत में अनुरक्त हो सत्संग है, और मन आपका हमेशा सुमिरन करता रहे भगवान, और शरीर जो है, तन जो है, ये सेवा में लगा रहे। तो तन से सेवा हो, मन से सुमिरन हो, और बुद्धि से सत्संग, यही तीन है ना, फूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यही तीन साधन है आपके पास, जिसको कहते हैं तन मन बुद्धि। इंद्रियाणि परायण्याहु इंद्रियभ्य परम मन, मन तस्तु परा बुद्धि, यही तीन साधन है आपके पास। बुद्धि कारण शरीर है, मन सूक्ष्म शरीर है, ये तन जो है स्थूल शरीर है, और इन तीनों शरीरों को परमात्मा के साथ जोड़ना है, और उसके लिए उत्तम सा कौन सा उपाय है, तो गोस्वामी जी ने बताया कि तन तो सेवा में लगा रहे, मन सुमिरन में लगा रहे, और बुद्धि परमात्मा के चिंतन में लगी रहे। इससे क्या होगा, इससे जीवन सार्थक हो जाएगा। लक्ष्मण जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे वही रास्ता बताइए, सब तज करूं चरण रज सेवा। मैं सबका त्याग करके, सबका त्याग माने दुनिया की अन्य जितनी वासनाएं, लक्ष्मण में तो कोई वासना नहीं है, लक्ष्मण तो सबका त्याग भले कर चुके हैं। आप सोचिए, राम को वनवास मिला, लक्ष्मण को जब पता चला कि प्रभु वन में जा रहे हैं, समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल, तुरंत उनको जब ये पता चला कि भगवान राम वन को जा रहे हैं, अकुला गए और दौड़ करके प्रभु के चरणों में आकर अपने आप को समर्पित किया। प्रभु, भगवान राम ने देखा भाई लक्ष्मण हाथ जोड़ करके खड़े, भगवान राम ने चाहे इनको समझा दे, कहा लक्ष्मण भैया तुम्हें पता है, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही, यौवन जाऊं तुम्हें ले साथा, तुम्हें है सब विधि अवध अनाथा। तुम सोचो तो, भरत और शत्रुघ्न ये दोनों घर पर नहीं है, अयोध्या में नहीं, ननिहाल में, और पिता बड़े
दुखी हैं और वृद्ध हैं। ऐसी स्थिति में यदि तुम भी मेरे साथ वन को चले जाओगे तो अयोध्या तो अनाथ हो जाएगी। और ये राजपुत्र का कर्तव्य नहीं है कि अपनी प्रजा को अनाथ छोड़ करके चला जाए, असुरक्षित छोड़ करके चला जाए। इस अयोध्या की रक्षा कौन करेगा? इसका भार किसके ऊपर होगा? पिता कर नहीं सकते, दो भाई है नहीं। मैं जा रहा हूँ और तुम भी मेरे साथ चले जाओ तो उत्तराधिकारी इसका उत्तरदायित्व किसके ऊपर होगा? इसलिए रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुता तो हुई है बड़ दोषु। इसलिए तुम अयोध्या में रह करके सबकी रक्षा करो। यदि ऐसा नहीं करते तो महापाप लगेगा। क्यों पाप लगेगा? इसलिए कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोलिप अवसिन रख अधिकारी। प्रभु मैं तो राजा नहीं हूँ, तुम राजा नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पिता तो राजा हैं। और जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को अवश्य नरक प्राप्त होता है। ये सिद्धांत है वेद का। आजकल जो राज करने वाले हैं, कौन ऐसा देश है जिस देश की प्रजा दुखी न हो? तो क्या आप समझते हैं कि सारे नेता वैकुंठ जाएंगे? इनके लिए वहां सीट रिजर्व नहीं, घबराओ नहीं। ये शास्त्र का जो निर्देश है वो सत्य है। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनृप अवसिन रख अधिकारी। जिस राजा के राज्य में उसकी प्यारी प्रजा दुखी होती है उस राजा को अवश्य ही नरक का भाजन बनना पड़ता है, नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इसलिए तुम राजा नहीं हो मैं जानता हूँ, मैं भी राजा नहीं हूँ ये मैं जानता हूँ, लेकिन हम आप राज के पुत्र हैं, राजा की संतान है। तो पुत्र का कर्तव्य क्या होता है? पूनाम नरकस्य त्रायते इति पुत्र। जो पिता को नरक से बचा ले उसी को पुत्र कहते हैं। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पिता को नरक से जो बचा ले उसका नाम पुत्र है। और यदि प्रजा दुखी हुई तो तुम्हारे पिता नरक में जाएंगे, हमारे पिता नरक में जाएंगे। और पिता को नरक से बचाने का केवल एक रास्ता है कि तुम यहाँ रह करके प्रजा की संभाल कर। अन्यथा पिता के राजा होते असमर्थता के नाते ये प्रजा दुखी होगी और उसके बदले में पिता को नरक, जो कि हमारे लिए तुम्हारे लिए उचित नहीं है। भरत शत्रुघ्न इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों है ही नहीं, उनको तो पता ही नहीं है कुछ, तो बहुत दूर बैठे हुए हैं। कहाँ अयोध्या, कहाँ कश्मीर, कई देश। और वहां से उनको तो कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। कोई आजकल की टेलीफोन वाली बात होती नहीं, तुरंत बता देते हैं। इसलिए वो इसके जिम्मेदार नहीं है। और मुझे वनवास मिला है, मैं पिता की आज्ञा से वन में जा रहा हूँ। अब रह गए तुम अकेले, ये उत्तरदायित्व तुम्हारे ऊपर है। लक्ष्मण ने कहा युवा, ये तो भगवान ने अच्छा रास्ता दिखा दिया। अब मैं इसलिए भगवान के साथ न जाऊं क्योंकि पिता मेरे यहाँ रहने से ही नरक से बच सकते हैं, अन्यथा प्रजा दुखी होगी उनको नरक होगा। लेकिन पिता माता आदि के प्रति कर्तव्य उसका होता है जिसके माँ हो बाप हो। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आप क्या करें? कहा मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हारे हित की बात कर रहा हूँ। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं तो जानता नहीं मेरा पिता कोई है। गुरु पितुन मातु न जानू काहू, कहूं स्वभाव नाथ पति आऊ। हे प्रभु मैं तो माता पिता गुरु को जानता ही नहीं, स्वभाव से ही नहीं जानता। जब से पैदा हुआ तभी से नहीं जानता। स्वभाव माने जब से पैदा हुआ, स्वभाव यानी जब से पैदा हुआ हूँ तभी से मैंने जाना ही नहीं कोई मेरी माँ है, कोई मेरा बाप है, कोई मेरा गुरु है। कहा फिर तुम बिना माँ बाप के पैदा हो गए? कहा नहीं, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। आप अंतर्यामी हैं प्रभु, आप सत्य को जानते हैं, आप ही मेरे माँ हैं, आप ही मेरे बाप हैं, आप ही मेरे गुरु हैं। आपके सिवा और कोई मेरा कुछ लगता है ये मैं नहीं जानता।
इसलिए मैं अपने माँ बाप की सेवा करने ही तो चल रहा, और मेरा प्रयोजन क्या? भगवान राम, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवों के माता पिता गुरु सब प्रभु थे। गुरु में जो ज्ञान है कहाँ से आया? प्रभु से आया। माँ में जो वात्सल्य कहाँ से आया? प्रभु से आया। पिता में जो पालन की शक्ति कहाँ से आई? प्रभु से आई। मूल तो वही है ना। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु मैं तो और कुछ जानता ही नहीं। मोरे सबई एक तुम स्वामी, हे प्रभु आप ही मेरी माँ, मेरे बाप, मेरे गुरु हैं, मैं और किसी को नहीं जानता। ये बात लक्ष्मण को कहाँ से ज्ञात हुआ था मालूम है? उनकी माँ से। माँ ने बच्चेपन से यह सीख दी, जब भी कभी लक्ष्मण सुमित्रा के पास जाते थे माँ कहते हुए, तो सुमित्रा यही कहती थी कि मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम कभी भूल करके दशरथ को अपना पिता नहीं मान लेना। और उस समय भी सुमित्रा ने यही समझाया अपने पुत्र को, तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही, जोसुत सी राम बन जाही, अवध तुम्हार काज कछु नाही। हे वत्स, तुम्हारी सही माता तो सीता है जगत जननी, और तुम्हारे यथार्थ पिता तो राम है। यदि तुम्हारे माता पिता जंगल में जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं, तो अयोध्या में रहना तुम्हारे लिए कोई आवश्यक नहीं है। तुम अपने माता पिता की सेवा में रहो। ये माँ सुमित्रा की सीख है। बहुत कम माताएं होती हैं जो अपनी संतानों को सही रास्ता दिखा, नहीं तो मोह में आकर के वो तो गलत रास्ते पर ही डालती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुम अबिनाश सिख दे इन को, का माता पिता का मातु पिता स्वार्थ रत वो। माता पिता तो स्वार्थ से अभिभूत हो जाते हैं, और उस समय वो वही रास्ता दिखाते हैं। कौन सा रास्ता दिखाते जानते हो? तुलसीदास जी ने आगे लिखा, मातु पिता बाल कन बोलावई, उधर भरे सोई धर्म सिखावई। अरे कहते हैं बच्चे वही काम करो जिससे तुम्हारा पेट चार पैसा मिले। कहाँ तुम लग गए हो? कहाँ गलत रास्ते पर जा रहे हो? बार बार यही कहते रहते हैं। अरे ये समय तुम्हारा भजन का है, ये भगवान के सुमिरन का है। वो तो बहुत बात की बात है। कुछ लोग सोचते हैं जब वृद्धावस्था आएगी तब भगवान का भजन करें। वृद्धावस्था में भगवान का भजन नहीं होता, याद रखना। एक पद में मैंने संकेत किया है संदेश नामक पुस्तक में, प्यारे जो मन चित बुद्धि सदा जीवन जग चिंतन में बीती, तो भला कहो क्या अंत समय प्रभु चरणों में लाए प्रीति। अरे जन्म भर जिसकी याद करते रहे, आखिर में वही याद आएगा कि भगवान याद आएगा? आप सोचिए, जन्म भर आपने अभ्यास किया संसार का, और सोचो कि वृद्धावस्था में भगवान याद आ जाए। भगवान याद नहीं आता। भगवान याद रखो। ये मनुष्य जीवन जो है, शास्त्रकारों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मनुष्य जीवन जो है उसमें ये जो युवावस्था है, इस युवावस्था में ये विकसित फूल के समान है। इसको चाहे संसार के गंदगी में डाल दो, चाहे भगवान के चरणों में चढ़ा दो, बस इसके सिवा और कोई इसका दूसरा विकल्प नहीं। यदि ये सोचो कि नहीं, सारी जवानी तो संसार में लगाएंगे, और जब ये फूल फेडअप हो जाए, जब मुरझा जाए, किसी काम का न रहे, संसार के लोग ठोकर मार कर बाहर फेंक दें, तब कहेंगे कृष्णार्पण मस्तु। तो भगवान कोई गार्बेज तो नहीं कि आखिर में जब कोई नहीं पूछेगा तो उसके चरण में चले जाएंगे? नहीं, तुम भगवान को ठगना चाहते हो? भगवान को ठग नहीं सकते, तुम तो अपने को ठग रहे हो। ये सोचकर कि वृद्धावस्था आएगी तो भगवान का नाम लेंगे, ये भगवान को ठगना नहीं, तो अपने को ठगना है।
वृद्धावस्था में भगवान का नाम याद नहीं आता, नहीं आता। एक आदमी की मृत्यु होने लगी, जब मरने लगा वो, तो लड़कों ने सोचा कि पिता ने तो जन्म भर कुछ अच्छा काम नहीं किया। सुना कहीं शास्त्र में कि मरते समय भगवान का नाम ले ले तो उसका उद्धार हो जाता है। तो लड़के बगल में खड़े होकर उसको बार बार कहे, पिताजी कहो राम राम, राम राम बार बार कहे। तो उसे बतावे कि वो वस्तु मैंने वहां रखी थी, उसको दिया था, उसे ले लेना, अमुक चीज ऐसे कर लेना, तुम लोग ऐसे नहीं करना, ऐसे करना। बच्चे कहने लगे कि पिताजी ये सब हम कर लेंगे, अब आप राम राम कहो। राम राम कैसे कहा जाए? मरते समय राम मुंह से निकलना कोई खेल नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। इतना सरल नहीं है कि आखिर में तुम राम कह दो। लड़कों ने सोचा कि पिताजी से कैसे राम कहलाया जाए। संयोग से उसकी एक लड़की थी, चार लड़के थे, लड़की एक थी। उस लड़की के पति का नाम था रामचंद्र। तो लड़कों ने सोचा कि चलो उसको बुला ले, दामाद बड़ा प्रिय होता है, तो जब दामाद आएगा उससे पूछेंगे कि इनका क्या नाम है, पहचानते हो, तब तक बता ही देगा कि रामचंद्र नाम है, इसी बहाने राम निकल आएगा। लड़कों ने यही किया, उसको बुलाया। जब दामाद आ गया, अब वो उसके बाप को बार बार जगा, देखो पिताजी कौन आया है, कौन आया है, देख रहे हो कौन है, इनका नाम क्या है। तो उसने कहा, मरते समय मुंह से कुछ नहीं निकलता, ये तो बबली का घर वाला है। इतना निकल आया लेकिन राम नहीं निकला। मेरे कहने का दुबरा है कि आखिर में भगवान का नाम नहीं है, बहुत मुश्किल है। जो शुरू से अभ्यास करता है, अभ्यास जागते सोते यदि भगवान के चिंतन का अभ्यास है तो भगवान का नाम आएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए ये भूल जाओ कि वृद्धावस्था जब आएगी तब भजन करेंगे। हमने देखे हैं वृद्धों, वो बैठ करके दिन दिन भर बातें करते रहेंगे दुनिया की। वो चार वृद्ध, भारत यहाँ तो सुविधा नहीं, भगवान ने बड़ी कृपा की है कि कोई वृद्ध दूसरे वृद्ध से मिल नहीं सकता। और यदि सौभाग्य मिल जाए कभी थोड़े दिन के लिए, हाँ, तो आपस में एक दूसरे की, तेरी बहू कैसी है, मेरी बहू कैसी है, लड़का कैसा है, वो कैसा है, तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वो इसी की चिंता में मरते रहते हैं। उनसे कहो कि भाई अब तुम न भारत का कोई भला कर सकते हो, न यहाँ के कर सकते हो, भगवान का नाम लो, नहीं होता। बिना मतलब की बातों में जिंदगी बीत जाएगी, भगवान का चिंतन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभ्यास नहीं है। इसलिए लक्ष्मण ने भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करते हुए ये सीख दी है, सीख दी है कि प्रभु से प्रार्थना करो। वही समझाई कहो सोई देवा, सब तज करूं चरण रज सेवा। हे देव मुझे वही रास्ता बताइए, समझा कर कहिए, जिससे मैं सबका त्याग करके आपके चरणों की धूल की सेवा करूं, चरण रज सेवा। रज सेवा बोले, चरण रज सेवा ये अपनी दैन्य भावना की अभिव्यक्ति। यहाँ पर एक बात और आप लोगों को बताऊं, बड़ी रस की बात है रामायण की। लक्ष्मण भगवान राम के साथ अयोध्या का सर्वस्व त्याग करके चल पड़े, चल पड़े। और भगवान के साथ यति का वेश बनाकर, तपस्वी का वेश बनाकर जंगल में रह रहे हैं। महात्मा भरत अभी उस समय तो घर पर नहीं थे, बाद में ननिहाल से आए। जब ननिहाल से आए तो उनको ये पता चला कि राम को वनवास हो गया। माँ ने राम के लिए वन मांगा और मेरे लिए राज। महात्मा भरत को कितनी पीड़ा हुई उसकी कथा अपने आप में अनुपम है।
उन्होंने निश्चय किया राज्य का त्याग करके माँ का त्याग कर दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, भरत ने माँ का त्याग कर दिया, और त्याग करके राम के चरणों में आश्रय लेने के लिए चल पड़े। अयोध्या की राजश्री भरत को मोहित नहीं कर सकी और भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए चित्रकूट पहुंच गए। इधर भगवान राम प्रातःकाल का समय था, सायंकाल का समय था, बाहर बैठ करके कुटिया के अपने लक्ष्मण से चर्चा कर रहे थे कुछ। इतने में देखा उत्तर दिशा से बहुत धूल उड़ती हुई दिखाई दी। भगवान ने सोचा कि इधर से आधी तूफान आ रहा है क्या। इतने में देखा कि खग मृग और वनवासी लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। उन्होंने आगे बढ़कर पूछा क्या बात है भाई। सबों ने कहा कि प्रभु एक बहुत बड़ी सेना लेकर के एक व्यक्ति आ रहा है। कौन आ रहा है सेना लेकर के। कहा अयोध्या से आ रहा है। कौन है। कहा भरत नाम है उसका। भरत सेना लेकर के आ रहा है। इतना सुनना था कि भगवान चिंता में पड़े। सोचने लगे कि इधर तो पिता की आज्ञा, इधर भरत का प्रेम। भरत को मैं कैसे कहूंगा कि मैं नहीं लौटूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। भरत के प्रेम के सामने हमारी प्रतिज्ञा क्या टिक सकेगी। भगवान इस चिंता में पड़ गए। भरत के प्रेम का स्मरण करके भगवान गदगद हो गए। भरत का नाम सुनते ही भगवान के नेत्रों से अश्रु बने लगा। भगवान को चिंतित देख करके लक्ष्मण ने क्या सोचा, देखिए उल्टी सोच जिसे कहते हैं। ये नहीं समझ लेना कि भगवान के शरण में हो गए तो सोच सही हो गई। वहां भी उल्टी सोच हो सकती है। लक्ष्मण ने क्या सोचा कि भगवान ने सुना कि भरत चतुरंगिणी सेना लेकर आ रहा है, इसलिए डर के मारे ये उदास हो गए। इनको चिंता हो गई कि अब भरत से युद्ध करना पड़ेगा। जब ये लक्ष्मण ने देखा तो तुलसीदास जी लिखते हैं, लखण लख्यौ प्रभु हृदय खंभारू। देखा कि प्रभु के हृदय में द्वंद चल रहा है। आपको चिंता किस बात की। और धनुष बाण उठा लिया और धनुष बाण उठाकर भरत को गालियां देने लगी। कुटिल कुबंधु कुमसरता की, जानि राम बनवास की, कोटि प्रकार कलपी कुटिलाई, आए दल बटोरी दो भाई। अब वो गालियां देते हुए कहने लगे कि आज तुम्हें भरत को मार करके छोड़ूंगा, भरत को जीते जी नहीं जाने दूंगा। यदि शंकर जी आकर सहायता करें तभी मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान तो रो रहे हैं, दुखी हैं भरत के प्रेम के नाते, कि भरत को मैं कैसे कहूंगा कि मैं नहीं लौटूंगा। और लक्ष्मण क्या सोच रहे हैं कि भगवान रो रहे हैं डर के मारे। देखिए उल्टी बुद्धि का, ऐसी बुद्धि क्यों हो जाती है भाई। लक्ष्मण जो सब त्याग करके भगवान के चरणों में आकर बैठे हैं, उनको ऐसी धारणा क्यों हो गई। बड़ी विचित्र घटना है। सबका त्याग कर दिया। एक बात याद रखना, ये रामायण की कथा से हमें ज्ञात होता है कि सबका त्याग करने पर जो त्याग का अहम होता है वो बहुत खतरनाक होता है। रागी आदमी का तो उद्धार हो जाता है, लेकिन त्याग का अहंकार जो है वो कभी कल्याण नहीं होने देता, नहीं होने। इसलिए वेद में बात समझाई गई है, यज्ञेन यज्ञमर्जन्त देवास्तान धर्माणि प्रथमानि आसन। का धर्म का प्रथम लक्षण क्या है। का यज्ञेन यज्ञम वैजंत देवा। देवताओं ने यज्ञ का भी यज्ञ कर दिया। यज्ञ का यज्ञ क्या है। सब कुछ का त्याग कर दो, और त्याग करने में त्याग का जो अहम है ना, उस अहम का भी त्याग कर दो। जब त्याग के अहम का त्याग हो जाएगा तब तुम सही माने में धर्मात्मा बन जाओगे।
जब तक त्याग के अहम का त्याग नहीं होता तब तक तुम धर्मात्मा नहीं बनते। और ये अहम जो है ये बड़ा खतरनाक है। लक्ष्मण जीवों के आचार्य हैं, लेकिन यहां पर जीवों के हित के लिए उनको इस बात को समझाने के लिए कि तुम अपने त्याग पर कहीं अहंकार न कर लेना, नहीं तो दुर्गति हो जाएगी। हम बहुत बड़े त्यागी हैं, ये भी एक अहंकार है। हम रागियों से उत्तम है, ये भी एक अहंकार है। एक संत रहते थे, बड़े अच्छे संत, भगवान की इबादत करते थे अरब, बहुत पहले की बात है। वो रोज प्रातः काल उठ करके बाहर जाते थे, वहां भगवान का ध्यान करते थे। उनको सवेरे सवेरे उठ करके जाते हुए एक जवान लड़का देखता था रोज। एक दिन जब वो लौटे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने पूछा कि भगवान आप कहाँ जाते हैं? कहा बेटे मैं परमात्मा का, खुदा का ध्यान करने जाता हूं। कहा आप मुझे भी ले चलो। कहा ठीक है, कल से तुम भी चलना। अब उस लड़के को भी वो संत लेकर के जाने लगे ध्यान करने। जब दो चार दिन दस दिन बीत गया तो एक दिन संत और लड़के दोनों लौट रहे थे। रास्ते में आए, देखे तो लोग सो रहे थे। सूर्योदय हो गया था लेकिन सो रहे थे पांव। उस लड़के ने देखा, देखते उसके मुंह से निकला क्या साईं, जैसे हमारे यहां हिंदी में स्वामी कहते हैं ऐसे ही उसमें साईं कहते हैं। साईं माने स्वामी। तो कहा साईं गुरु से। ये लोग देखो कितने नीच हैं। सूर्योदय हो गया और अभी तक सो रहे हैं। इनको इतना पता नहीं कि सवेरे उठकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। जब ये कहा उसने तो महात्मा वहीं खड़े हो गए, खड़े हो गए और जोर से चिल्लाए, हे प्रभु क्षमा कर दो मुझे, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। लड़के ने सोचा कि ये क्या हो गया। कहा साईं मेरे से क्या गलती हो गई? कहा तेरे से कोई गलती नहीं, गलती मेरे से। कहा क्या गलती हो गई? कहा गलती हो गई जो तुम्हें साथ लेकर मैं ध्यान करने जाने लगा। वो बच्चा कुछ नहीं समझ पाया, फिर पूछने लगा कि भगवान इसमें गलती क्या बात है? कहा जब तक तुम सवेरे ध्यान नहीं करते थे तब तक तुम्हारे दिमाग में ये तो नहीं था कि मैं बहुत अच्छा हूं, ये सब मूर्ख हैं, दुष्ट हैं। और ये दो दिन मेरे साथ तुम ध्यान करने चले गए, तुम ये देखने लगे कि ये सब मूर्ख हैं, दुष्ट हैं और मैं अच्छा हूं। ये जो अच्छाई का अहंकार तुम्हारे में आया, इसका कारण तो मैं ही हूं ना। यदि ना मैं तुम्हें ले जाता ना तुम्हारे में अच्छाई का अहंकार आता। यानी हम अच्छा काम करते हैं, दूसरे दुष्ट हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं, नालायक हैं। ये जो मान्यता है ये अहंकार को पुष्ट करता है। और भगवान की भक्ति का जो प्रयोजन है वो अहंकार को समर्पित करना है, न कि अहंकार को पकड़े रहना है। अहंकार का नाश करना है, न कि अहंकार को पकड़े रहना है। अहंकार को पुष्ट करने वाले साधन का नाम भक्ति नहीं है। सुनिए, अब यहां देखिए कि लक्ष्मण ने सब कुछ का त्याग कर दिया है, अयोध्या के राजश्री का त्याग कर दिया, प्रिय धर्म पत्नी का त्याग कर दिया, पूरे सुख वैभव का त्याग कर दिया, राम के चरणों में समर्पित। लेकिन भरत को आता हुआ सुन करके उनका क्रोध और हाथ में धनुष बाण लेकर के उनका वह वीर रथ तैयार हो गया युद्ध करने के लिए, और प्रतिज्ञा करने लगे कि आज यदि शंकर जी सहायता करें, एक शंकर नहीं, जो सतशंकर करहि सहाई तदपि हतं राम दुहाई। मैं राम की सौगंध खाकर करता हूं, कहता हूं यदि सौ शंकर आकर के भरत की रक्षा करें तभी मैं आज उसको मार करके छोड़ूंगा। बोला सोच, सौ शंकर आकर रक्षा करें भरत की तो लक्ष्मण मार देंगे उन्हें। अब जरा सोचिए, क्या सही में भरत को लक्ष्मण मार सकते हैं? वैसे भी देखा जाए यदि पुरुषार्थ की दृष्टि से, क्या लक्ष्मण भरत से बलवान है? कहां भरत कहां लक्ष्मण।
कोई मेल नहीं है। भरत जानते हो कौन है? भरत है विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जगत के पोषण करने वाली शक्ति जो है वह पूषा शक्ति भरत के रूप में प्रकट हुई है। और लक्ष्मण कौन है? शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतर भूमि भय तारण। वो शेष ना के अवतार भरत है, ये लक्ष्मण है। कहां पूषण और कहां शेषनाग? इसलिए किसी भी अंश में जो खीर दी गई थी अग्नि द्वारा, उसका जो विभाजन हुआ था उसमें आधा तो कौशल्या को दिया गया जिसमें राम प्रकट हुए, और आधे को दो भाग में किया गया तो आधा वो कैकेयी को दिया गया जिससे भरत प्रकट हुए, और जो आधा था चौथाई वो चौथाई के दो भाग किया गया जिसमें शत्रुघ्न और लक्ष्मण पैदा हुए। अब उस दृष्टि से भी लक्ष्मण और भरत की कई बराबरी है, लेकिन नहीं, आदमी जब आवेश में होता है ना, आवेश में, तो आवेश में होने पर उसको सत्य सत्य का बोध नहीं रहता, वो क्या कहता है सोचता भी नहीं। भक्ति के आवेश में लक्ष्मण भूल गए कि क्या कहने जा रहे, और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि वो भरत को केवल अपशब्द ही नहीं कहा बल्कि मारने की प्रतिज्ञा कर। जब मारने की प्रतिज्ञा कर ली तो अब देवता लोग क्या करें बिचारे? जग भई मगना गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तो आकाशवाणी होने लगी, लक्ष्मण तुम बहुत बलवान हो, बहुत बलवान। यही कहना था और क्या कहना था? देवताओं ने कहा भाई तुम बहुत बलवान हो, बहुत बलवान हो, लेकिन अपने बल का इतना गर्व मत करो। अनुचित उचित काज कछु होई, करिए विचारी कहिए भल सोई। जो अनुचित उचित कार्य करना हो तो 10 बार विचारो तब करो उसे। इसी को लोग अच्छा करते हैं। सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुद्ध ते बुद्ध नाही। और आवेश में आकर यदि कोई काम कर डालो और बाद में बैठकर रोते रहो, ये कोई अकलमंदी की बात तो नहीं हुई? ये कोई समझदारी की बात नहीं है? देवताओं ने जब कहा तो लक्ष्मण को लज्जा आ गई कि सही में मेरे से गलती हो गई। सुनी सुर वचन लखन सकुचाने, जब देवताओं की वाणी सुनकर लक्ष्मण संकोच में गड़ गए कि ये मेरे से क्या निकला है, मैंने तो अनर्थ कर दिया, आवेश में आकर ये मैंने क्या कह दिया। तो भगवान ने देखा कि इस समय लक्ष्मण बड़े संकोच में पड़ गए हैं, तो वो तो परम कृपालु दयालु प्रभु राम सीय सादर सन माने। तो भगवान राम और श्री सीता जी ने भी कहा वात्सल्य लक्ष्मण आओ, वात्सल्य लक्ष्मण आओ, बैठो मेरे पास, आ जाओ, तू तूने कोई गलती बात नहीं कही। क्यों कहा सा भाई? जब लक्ष्मण गालियां दे रहे थे भरत को, क्यों नहीं राम ने मना कर दिया? जानते हो ये नीति शास्त्र है, ये धर्म नीति है, और इसको साइकोलॉजी भी कहते हैं। यदि आदमी के अंदर कोई गुबार है तो उसको निकाल देना चाहिए, यदि वो नहीं निकालेगा तो अंदर अंदर घुटता रहेगा, फैलता रहेगा। तो लक्ष्मण को तो गुबार है कि भरत की माँ ने ही मेरे प्रभु को वन भेजा है, यदि भरत न होते तो इसकी माँ इसके लिए राज न मांगती, यदि राज न मांगती तो मेरे प्रभु वन में न आते। तो ये सब सारे अनर्थों की जड़ भरत है, और जिसके प्रति क्रोध होता है आवेश, उसके प्रति स्वाभाविक अंतर में घुलता रहता है आदमी। आज मौका मिल गया तो लक्ष्मण ने उसको उबाल दिया, प्रकट कर दिया कि आज इसको मैं खत्म ही कर दूंगा। लेकिन यदि भगवान वहां पर रोक देते तो फिर वो अंदर अंदर घुलता रहता, तो घुलने से अच्छा इसको कह लेने दो जो कुछ कहना चाहता है। जब लक्ष्मण सब कुछ कह चुके और देवताओं ने कहा कि ये अनुचित है, तो उनको स्वयं शर्म आ गई, ये मैंने क्या कह दिया। अब भगवान ने देखा कि इसको शर्म आ गई तो अपने पास बुला लिया, बैठो बेटे, बैठ जाओ। अब भगवान कहने लगे, अभी तक नहीं बोले थे, अब भगवान समझाते हैं लक्ष्मण को। लक्ष्मण कही तात तुम नीति सुहाई, सबसे अधिक राज मद भाई। हे मेरे भैया, तूने बहुत अच्छी नीति कही है, ये राजमद बहुत बुरा है इसमें कोई संदेह नहीं। जो अचवत नृप महातई ते
ना ही न साधु सभाजिन से ही। ये राज रूपी मदिरा को पी करके वही लोग मतवाले होते हैं जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया होता। लेकिन भरत हो इन राज मद विधि हरि हर पद पाई, कबू की कांजी सी कर निछीर सिंधु बिन साई। लेकिन मेरे बच्चे, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। मेरे वत्स, भरत को राजमद नहीं हो सकता। जैसे कांजी की, कांजी तो आप लोग जानते हो अच्छी प्रकार से, जैसे कांजी की एक बूंद क्षीर सागर को फाड़ नहीं सकती, खटाई डालने से दूध फट जाता है। लेकिन कांजी की एक सीकर, सीकर माने ये सीख कहते हैं ना, बहुत तिनके को सीख कहते हैं, उसको जब डुबो दो पानी में और निकालो तो सीख के बिंदु पर यानी नोक पर जितना पानी अड़ा रहता है उसका नाम है सीकर। समझे? और उस सीकर को यदि समुद्र में, क्षीर समुद्र में, दूध के समुद्र में डाल दो, क्या वो समुद्र फट जाएगा? नहीं फटेगा। तो जैसे कांजी जरूर दूध को फाड़ देती है, लेकिन एक सीकर, सीख के नोक के ऊपर रहने वाला जो जल है, इन खटाई है, वो कभी समुद्र के, दूध के समुद्र को नहीं फाड़ सकता। ऐसे भरत का हृदय दूध का समुद्र है। और ये अयोध्या की राज जो है वो उसके लिए एक कांजी की बूंद के समान है। भला ये कांजी की बूंद भरत के हृदय को कैसे विकृत कर सकता है? इसलिए वत्स तुम समझो। फिर भगवान ने भरत की महिमा गाई, और भरत की महिमा ही नहीं गाई, बल्कि जब भरत की सभा बैठी, भरत ने अपनी दीनता को वहां व्यक्त किया। लक्ष्मण जी तो पानी पानी हो गए थे उस समय, लेकिन भगवान ने एक बात कह दी। भगवान ने बात की कि हे भरत, जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर शंका करेगा, तुम्हें सुगाई मात कुटिलाई, जो व्यक्ति तुम्हारे ऊपर शंका करेगा कि माता की कुटिलता में तुम्हारा भी हाथ है, ऐसा पुरुष जो है वह तो अमित काल तक नरक में निवास करेगा। भगवान ने कहा तो अनर्थ, लक्ष्मण ने कहा तो अनर्थ, सबसे पहले तो मैंने शंका किया था, ये तो भगवान ने श्राप दे दिया। अब लक्ष्मण जब दुखी हो गए, भगवान ने देखा है लक्ष्मण तो दुखी हो गए, और सही में भगवान ने कहा कि ये तो बात सही कह दी मैंने, तुम्हें सुगाई मात कुटिलाई, 66 कोटि न पुरुष समेता। जब श्राप दे दिया तो लक्ष्मण जी दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने उसके उद्धार का रास्ता भी बता दिया। कहा किंतु भरत, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार, मिटिहे पाप प्रपंच सब अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, जो तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, और लोक में उसकी कीर्ति होगी और परलोक की मंगल होगा उसका। लक्ष्मण ने सोचा कि भगवान ने समाधान भी दे दिया, आंख मूंद करके वो भरत भरत जप करने लगे कि भरत का नाम लेने से मेरा पाप तो नष्ट हो जाएगा। नष्ट तो हो गया, अब उनके बात समझ में नहीं आई कि सारा त्याग करके प्रभु के साथ रहने पर मेरी ये गति, और प्रभु से दूर रहते हुए भी भरत की ये अवस्था। आखिर भरत में कौन सी विशेषता है? भरत जब रास्ते में जाते हैं तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और अपने साथियों से भी कहते हैं, मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनही। वो कहते हैं कि यद्यपि माँ के नाते प्रभु मुझे कुटिल मानकर त्याग दें तो उसमें कोई हानि नहीं, उनका कोई दोष नहीं है, लेकिन मेरे तो प्रभु के पनही की शरण है, और मैं जानता हूं कि सारे दोस्त तो सेवक में होते ही, मेरे में भी वो दोष हैं,
भरत अपने आप को कभी निर्दोष नहीं स्वीकार किए। उन्होंने कहा सबसे बड़ा दोस्त मेरा यह है कि मैं कैकेयी का पुत्र हूं, इसको मैं कैसे अस्वीकार कर दूं। तो भरत ने अपने उस दोस्त को स्वीकार किया और यह प्रार्थना की कि मेरे को तो प्रभु के चरण की जो जूती है पर नहीं है उसकी शरण है, प्रभु अपने आप मेरी संभाल करेंगे। और आखिर में जाते समय उन्होंने प्रभु के चरण की, अब जूती तो प्रभु पहने नहीं थे और पहन भी नहीं सकते थे क्योंकि नंगे पांव जाने के लिए उनको वरदान मांगा था उनकी माँ ने, इसलिए उनकी खड़ाओं को उनके चरणों में डलवा कर कहा ये खड़ाओं दे दो प्रभु मेरे को, प्रभु करी कृपा पांवरी देनी। चरण पादुका लेकर के आए और 14 वर्ष तक अयोध्या में उस चरण पादुका के नाते राज्य की। लक्ष्मण को यह बात समझ में अभी तक नहीं आई कि मेरे और भरत में आखिर इतना अंतर क्यों। प्रभु के भक्त भरत भी हैं, मैं भी प्रभु का भक्त हूं, लेकिन एक की महिमा दुनिया गा रही है और ये कि सब कुछ त्याग करके भी दया का पात्र बना हुआ है। जरूर कहीं गलती है मेरे में, वो गलती कैसे निकलेगी, वो गलती निकलेगी ज्ञान से, प्रभु ही उसका समाधान कर सकते हैं। इसलिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु एक बार प्रभु सुख यासीना लक्ष्मण वचन कहे छलहीना। बिल्कुल निश्चल भाव से स्पष्ट करते हुए अपने आप को सुर नर मुनि सचराचर साई, आप सुर नर मुनि सचराचर के स्वामी हैं, मेरे अकेले स्वामी नहीं है। अभी तक मैं यही भ्रम कर जीता रहा कि आप तो मेरे अकेले हैं, आप तो मेरे हैं, लेकिन अब मैं अनुभव करता हूं कि आप अकेले मेरे ही नहीं हैं। सुर नर मुनि सचराचर साई, लेकिन मैं भी आपका सेवक हूं, इसलिए मैं पूछूं निज प्रभु की नाही, मोहि समुझाई कहूं सोई देवा, सब तज करूं चरण रज सेवा। आप मुझे वो समझा कर कहिए मेरे प्रभु, जिससे मैं सब का त्याग करके ये जितने अपने साथ मैंने अहम इकट्ठा कर रखे ये सब का त्याग करके आपके चरणों की धूली की सेवा करूं। क्या सुनना चाहते हो तुम, क्या है तुम्हारा प्रश्न? अब आगे लक्ष्मण जी ने यहां पर 5 प्रश्न किए, 5 प्रश्न। कहउ ज्ञान विराग अरु माया, कहउ सो भक्ति करउ जेहि दाया। हे प्रभु आप मुझे बताइए ज्ञान क्या है, आप मुझे बताइए वैराग क्या है, आप मुझे ये बताइए माया क्या है, और मुझे ये भी बताइए कि वो भक्ति क्या है जिस पर आप दया करते हो जिसके नाते। कहूं ज्ञान विराग अरु माया, कहूं सो भक्ति करहु जेहि दाया। और 5वां ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समुझाई। और ईश्वर और जीव में भेद क्या है, बस ये 5 बातें मुझे आप बता दो और समझा करके बताइए। जाते हो ही चरण रति शोक मोह भ्रम जाए, जिससे इन 5ों का बोध हो जाने पर हमारी आपके चरणों में अनन्य अनुरक्ति हो और शोक मोह और भ्रम ये सब चले जाए। ये 5 प्रश्न यहाँ पर लक्ष्मण जी भगवान से कर रहे हैं। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, और ईश्वर और जीव में भेद क्या है। ये प्रश्न जो है ये है क्रमबद्ध नहीं है। क्रमबद्ध क्यों नहीं है भाई, पहले तो ज्ञान को पूछ रहे हैं। अरे ज्ञान पहले जो हो जाएगा तो आगे विराग और माया और भक्ति और जीव भेदे खत्म हो जाएगा। क्रम से जानना चाहिए और क्रम से जानने के लिए क्रमबद्ध प्रश्न होना चाहिए। प्रश्न क्रमबद्ध नहीं है। ये क्रमबद्ध प्रश्न न करने का कारण एक और है, इससे प्रश्नकर्ता अपनी अबोधता व्यक्त करता है। प्रभु मुझे पता नहीं है, विनम्रता अबोधता व्यक्त करते हुए
प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे मालूम नहीं है पहले क्या जानना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि इनका भेद हमें बता दो प्रभु। कहूं ज्ञान विराग अरुमाया, कहूं सुभगति करहु जेहि दाया। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समुझाई, जाते हो ई चरण रति शोक मोह भ्रम जाय। हे प्रभु हमें इन पांचों का पूरा विस्तार के साथ बोध करा दीजिए, जिससे मेरा शोक मोह और भ्रम चला जाए। ये मनुष्य के जीवन में दुख के तीन कारण हैं, शोक मोह और भ्रम, और ये जब तक रहेंगे तब तक मनुष्य सुखी नहीं रह सकता, और तब तक उसकी भगवान में प्रीति भी नहीं हो सकती, अनुरक्ति भी नहीं हो सकती। इसलिए लक्ष्मण जी प्रार्थना कर रहे हैं कि इन पांचों का बोध करा दिए। इन पांचों को अर्थ पंचक कहते हैं। कल मैंने बताया था कि ये अर्थ पंचक है, इसलिए इन पांचों का अब एक एक करके भगवान व्याख्या करेंगे। तो हमारे पास पांच दिन तो है नहीं, अब तो चार दिन ही रहेंगे। अब चार दिन में कितनी व्याख्या मैं आप लोगों को समझा सकूंगा ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनका यथार्थ स्वरूप समझाया जाए क्रम से। लेकिन कब से? कल से। आज तो समय पूरा हो गया, अब प्रार्थना कीजिए मेरे साथ। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तेरे, अभिमान को तजता तेरे, छोड़ सब अरमान नित, छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे, हरि नाम जप दिन रात रे, संसार के वैभव सभी, संसार के वैभव सभी, ज्ञान जलती आगरे, ज्ञान जलती आगरे, त्याग रे सुख स्वपन का, त्याग रे सुख स्वपन का, प्रीति निशाय जागरे, प्रीति निशाय जागरे, नाते सभी तन से किए, नाते सभी तन से किए, माँ बाप पुत्र कल त्रय, माँ बाप पुत्र कल त्रय, साथी सहोदर अपन पो, साथी सहोदर अपन पो, भूला फिर लखिय त्रय, भूला फिर लखिय त्रय, व्यर्थ ही ममता किया, व्यर्थ ही ममता किया, मां अंत को संग लाग रे, अंत को संग लाग रे, देख आंखें खोल के, देख आंखें खोल के, प्रीति निशाय जाग रे, प्रीति निशाय जाग रे, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, प्यारे तुम्हारे प्रेम के, जो पात्र हैं संसार में, जो पात्र हैं संसार में, जाएंगे सब एक दिन, जाएंगे सब एक दिन, सज के तुम्हें मझधार में, सज के तुम्हें मझधार में, साथी न होगा तन तेरा, साथी न होगा तन तेरा, इससे अधिक अनुराग रे, इससे अधिक अनुराग रे, भाग तनपुर छोड़ के, भाग तनपुर छोड़ के, प्रीति निशाय जाग रे, प्रीति निशाय जाग रे, तू तन नहीं तू मन नहीं, तू तन नहीं तू मन नहीं, ना इंद्रिया चित बुद्धि है, प्राकृत गुणों के खेल में, प्राकृत गुणों के खेल में, भूला हुआ निज
सूझिया करता नहीं तू कर्म का करता नहीं तू कर्म का अभिमान तन का त्याग रे अभिमान तन का त्याग रे पहचाने अपने आप को पहचाने अपने आप को आप लोगों को बहुत सी बातें आज समझाएंगे, मुझे विश्वास है कुछ पर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और अपने जीवन को तदनुसार बनाने की कोशिश